इसी क्रम में सन्यासियों यानी शैवों के पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से जुड़ाव रखने वाली एक अद्भुत संत परंपरा के साक्षात दर्शनों की अभिलाषा हमें एक बार फिर ले आई है इस संत नगरी हरिद्वार में, जहां की धरा ऋषि मुनियों की ज्ञान सलीला के साथ साथ मां भागीरथी के पावन जल से भी अभिसिंचित है। इस प्राचीन नगरी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है कनखल का, जहां स्थित है हमारा आज का पड़ाव अर्थात विश्व कल्याण साधना यतन का श्री यंत्र मंदिर। श्री यंत्र के विग्रह स्वरूप जैसी स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण ये धाम मुख्य रूप से श्री त्रिपुर सुंदरी मां काली एवं विशेष प्रकार से स्थापित श्री यंत्रम के दर्शनों का अद्भुत फलदायी स्थल है। श्री यंत्र वह एक माध्यम है जिसमें हम जीवन की हर बहुआयामी आवश्यकताओं को सहजता से पा सकते हैं। श्री यंत्र की अधिष्ठात्री महाशक्ति जो पराम्बा त्रिपुर सुंदरी है, सौंदर्य हमारे जीवन का एक आवश्यक पहलू रहा है। जिस व्यक्तित्व में सौंदर्य ना हो, जिस व्यक्तित्व में बौद्धिक सौंदर्य ना हो, आचरण का सौंदर्य ना हो, वह व्यक्ति व्यक्ति है लेकिन वह समाज से ग्राही नहीं है। इस अर्थ में सर्वांगीण रूप में हम एक सुंदरता से संपन्न हो सकें, समृद्धि से अपने आप को संपन्न बना सकें, इसके लिए श्रीयंत्र और जिसको हम श्री चक्र के रूप से भी पुकारते हैं वह एक माध्यम है। हम अपनी तरह के इस अद्वितीय एवं अद्भुत दिव्य मंदिर के दर्शन कर ही रहे थे कि आगमन होता है एक दिव्य विभूति का, जिन्हें देखकर हमें ये पहचानने में तनिक मात्र भी समय नहीं लगा कि ये है आचार्य महामंडलेश्वर निर्वाण पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी श्री विश्वदेवानंद जी महाराज। हाथों में पुष्प लिए महाराज श्री आ पहुंचे हैं श्री यंत्र धाम के मुख्य स्थल में, जहां मां त्रिपुर सुंदरी काली सिद्ध श्री यंत्रम एवं अन्य देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। स्वामी जी ने पुजारी जी के माध्यम से मां त्रिपुर सुंदरी के चरणों में पुष्प अर्पित कर प्रार्थना आरंभ की। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी। प्रार्थना के बाद महाराज श्री ने अंतःस्थल की परिक्रमा की। और परम धाम के अन्य देव स्थलों की ओर चल दिए। आइए हम भी स्वामी श्री विश्वदेवानंद जी महाराज के साथ धाम के दिव्य स्थलों का दर्शन करते हैं। संपूर्ण श्री यंत्र धाम की दर्शन परिक्रमा के बाद महाराज श्री ने श्री यंत्र मंदिर के सम्मुख लगे वृक्ष का परिक्रमण किया और बढ़ चले यज्ञ कुटी की ओर।
महाराष्ट्र के सानिध्य में उनके प्रमुख शिष्य श्री अनंत बोध जी अन्य संतों के साथ यज्ञ प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महाराष्ट्री ने यज्ञ भस्मी की रज को अपने मस्तक पर लगाया एवं उसके बाद अन्य जनों के मस्तक पर। प्रातःकालीन धार्मिक क्रियाकलापों के बाद स्वामी श्री विश्वदेवानंद जी महाराज पहुंच जाते हैं अपनी विश्राम कुटी में, जहां हमने उनसे कुछ विशेष बातें की। जब हमने महाराष्ट्र की जीवन यात्रा के बारे में पूछा तो उसका जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया। हम साधुओं ने अपने जन्म क्षेत्र, जन्मभूमि, पूर्वाश्रम की चर्चा पर आस्था नहीं होती। साधु जीवन का अर्थ है जीवन का एक ऐसा अध्याय जिसमें त्याग की प्रधानता है और इसी के साथ ईश्वर की तरफ यात्रा है। ईश्वर एक ऐसी शोध यात्रा है जिसमें सब कुछ छोड़ करके एक बार चलना पड़ता है, और साधु का अर्थ है जिसने अपने जीवन को ईश्वर की शोध में लगा दिया हो, साधना और तपस्या के माध्यम से ईश्वर को पा सका हो, साक्षात्कार किया हो, उसको ही हम साधु जीवन की उपलब्धि मानते हैं। इस अर्थ में त्याग और त्याग के साथ तपस्या, साधना, ये साधु जीवन का मुख्य आधार रहा, और इसी आधार के साथ जो पूर्वाश्रम और पूर्वाश्रम के संबंधों की व्यवस्था है वो सहज छूट जाती है। भगवत पाद आचार्य शंकर के द्वारा जो दशनाम साधु परंपरा को एक संशोधित रूप में, एकीकृत रूप में प्रारंभ किया गया, हम सब उनको अपना एक सैद्धांतिक गुरु और आचार्य मानते हैं। हमारा अखाड़ा समाज बहुत आदर के साथ उनको अपना आचार्य मानता चला आया। एक कालक्रम से आस्थाओं में, पात्रताओं में कुछ ह्रास आया। कालक्रम में परिवर्तन का अपना एक हमेशा ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, भूमिका रही है। उसी संदर्भ में आचार्य परंपरा का उदय हुआ जिसमें हमारे इस पीठ से जो हमारे गुरुओं की परंपरा में ब्रह्मलीन श्रीमद् पूज्यपाद महामंडलेश्वर जो प्रथम निर्वाणी अखाड़ा के आचार्य थे जयंतपुरी महाराज श्री, उनसे आचार्य परंपरा को विकास मिला, उनसे आचार्य परंपरा का प्रारंभ हुआ।
इसी अखाड़े के इन आचार्य श्री के द्वारा महामंडेश्वर परंपरा का भी प्रारंभ हुआ और उसी परंपरा को आज हम सभी अखाड़ों में पनपता हुआ आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं।